आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि। भारत के इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध उस बिखरे हुए समय में भी रानी लक्ष्मीबाई ने जिस अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, वो हमारे राष्ट्रीय चरित्र का वास्तविक परिचय है। वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र, जैसा निरूपण किया गया वैसा नहीं। रानी लक्ष्मीबाई अब सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं है, अब वो हर स्वाभिमानी भारतीय के जनमानस की रानी है। पुण्य तिथि पर उन्हें शीश झुकाकर शत शत नमन। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज के दिन को बंगाल में जामातृ षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। आज स्कंद षष्ठी का व्रत भी है, जिसको अरण्य या चंदन षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माता विंध्यवासिनी का पूजा अर्चना करने का भी विधान है, उनकी पूजा भी की जाती है आज के ही दिन। वैसे तो उनकी बारहवां मास होती है, लेकिन आज के दिन विशेष। आज के दिन माता विंध्यवासिनी का विधि पूर्वक पूजा करने से आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज पूरे दिन और पूरी और आधी रात तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन का निर्माण करना, इमारत बनाना, शिला का पत्थर रखना, इसके लिए इस योग को अच्छा माना जाता है, बहुत दिन तक मकान चलता है। लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे गाड़ी वाहन, इस योग में लेना ठीक नहीं, हो तो खड़े रह जाता है। साथ ही आज पूरे दिन पूरी रात सभी काम बनाने वाला रव योग भी रहेगा। इस योग की पॉजिटिविटी से आप अपना किसी भी तरह का काम सफल बना सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा आज आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। आश्लेखा नक्षत्र आज सुबह 7:28 से शुरू होकर कल की सुबह 6:58 तक रहेगा। आश्लेखा नक्षत्र 5 तारों का एक समूह है। यह देखने में चक्र के समान प्रतीत होता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है और बुध को वाणी और विपणन का कारक माना गया है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सफल व्यापारी, चतुर अधिवक्ता या वक्ता, भाषण कला में निपुण होते हैं। ये दूसरों पर आसानी से विश्वास नहीं करते। ये धन दौलत से परिपूर्ण होते हैं और इनका जीवन वैभव से युक्त होता है। इनमें निर्णय लेने की बड़ी अच्छी क्षमता पाई जाती है, जो इन्हें सफलता तक पहुंचाती है। इसके अलावा आश्लेखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का व्यक्तित्व नितांत आकर्षक होता है और अपने स्वभाव से सभी का मन मोह लेने वाली होती है। यह संस्कारी और सभी का सम्मान करने वाली होती है। इस नक्षत्र में जन्मी कन्या बहुत भाग्यशाली होती है और ये जिस घर में जाती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वो घर धन धान्य से भर जाता है। पेड़ पौधों में आश्लेखा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेखा नक्षत्र में हुआ हो, उन्हें सदैव ही नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन विंध्यवासिनी पूजा, अरण्य षष्ठी, ध्रुव योग, रव योग, आश्लेखा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के ग्रह योग नक्षत्र के संयोग में किसको क्या किस रिजल्ट के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको कारोबार में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आज के दिन आश्लेखा नक्षत्र के दौरान आपको घर के एकांत स्थान पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभहारिणे, मतलब यहां से शुरू करके एंड तक जाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कारोबार में सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें जो शुरू है ना, वो सुन देवी प्रवेक्षा में कुंजिका स्त्रोत्र उत्तम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत, न कवचम नारकला स्त्रोत्रम, न कीलकम, न रहस्यकम, न सूक्तम, न ध्यानम, न नासो, न चवार्चनम, वहाँ से शुरू करिए और बीच में जो मंत्र है उसको 11 बार पढ़िए, अब फिर स्त्रोत्र को एंड करिए। अगर आपको बिजनेस में काफ़ी दिनों से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आज के दिन आपको सिद्ध किया हुआ बुध यंत्र अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए और बुध के मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बुध का मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रांग ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस में चल रही आर्थिक समस्याओं से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी बुद्धि
और वाणी के बल पर दुनिया को जीतना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पानी में फिटकरी डालकर नहाना चाहिए। साथ ही किसी मंदिर में 1.25 किलो मूंग, साबुत मूंग दान करने का संकल्प लेना चाहिए। और जब मौका मिले किसी धार्मिक स्थल या मंदिर में 1.25 किलो मूंग की दाल दान करिए, साबुत मूंग। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतने में कामयाब होंगे। अगर आप सबके दिल में अपने लिए प्यार जगाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर सिद्ध कुंज का स्तोत्र की इन पंक्तियों का 11 बार जप करना चाहिए। पंक्तियां हैं, अयंकारी सृष्टि रूपाई ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। फिर से सुनिए, अयंकारी सृष्टि रूपाई ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से सबके दिल में आपके लिए प्यार जागेगा। अगर आप अपने काम पर शत्रुओं का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपनी बहन या बेटी को हरे रंग की ड्रेस या हरे रंग का रुमाल गिफ्ट करना चाहिए, साथ ही उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम पर शत्रुओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी बनी हुई है तो आज के दिन एक गोबर का उपला लेकर उस पर ये मंत्र पढ़कर 1 कपूर और 6 लौंग जलाएं और फिर उसकी धूप पूरे घर में दिखाई। ये मंत्र है, जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। फिर से सुनिए, जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। अगर लोग आपकी बात सुनते ही नहीं है तो लोगों को अपनी बातों से अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए आज के दिन आपको किसी किन्नर को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो दोनों हाथ जोड़कर मन में ही प्रणाम कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से दूसरे लोग आपकी बातों को सुनेंगे। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका कोई बिजनेस खुलवाना चाहते हैं तो अपने संतान के अंदर बिजनेस की समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उसे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए और उन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपने बच्चे के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाइए। बाद में जब मौका मिले उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन में तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेना चाहिए और उस टुकड़े के बीच में छोटा सा छेद करके उस छेद में एक सफ़ेद रंग का धागा पिरोइए और उस तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। आज के दिन गले में तांबे का टुकड़ा धारण करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको मन में ये भाव रखकर कि मंदिर में आप 5 प्रकार के फूल अर्पित कर रहे हैं, ऐसा भाव रख के शांतिपूर्वक मौन होकर 20 मिनट तक बैठे, for 20 minutes अलार्म लगा लीजिए घड़ी में बैठे। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऑफिस में पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियां जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज ध्रुव योग, रवि योग, आश्लेखा नक्षत्र के बारे में। आज के दिन कौन से खास उपाय करके आप मनचाही सफलता पा सकते हैं और जीवन में विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हमने सबके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।